नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। काशी के ज्ञानवापी के बाद मथुरा की ईदगाह, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार और अब अजमेर शरीफ दरगाह। ज्ञानवापी की नींव में शिवलिंग के पाए जाने का दावा क्या सामने आया? देश भर में देखिए मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, इसी को लेकर कानूनी जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में अब एक और दरगाह का नाम जुड़ गया है और वो है अजमेर शरीफ की दरगाह, जहां बीते 8 सालों से देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर चढ़ाई जा रही है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की ये वो दरगाह है जिसे देखिए दुनिया में सर्वधर्म सद्भाव की मिसाल पेश की है। ये वो दरगाह है जिसमें हर मजहब के लोगों को आपसी प्रेम का संदेश दिया गया। ये वो दरगाह है जिसके आगे बड़े से बड़े हुक्मरानों ने भी पूरे अदब के साथ शीश झुकाया। यहाँ आने वाला देखे हिंदू हो या फिर मुसलमान, राजा हो या रंग, जिस किसी ने इस दरगाह की चौखट चूमी वो कभी खाली हाथ नहीं गया। और आज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की इसी दरगाह को देखे शिव मंदिर बताया जा रहा है। शिव मंदिर के ऊपर दरगाह बनाए जाने की बातें कही जा रही हैं। जी हाँ, अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे करने की मांग उठाई जा रही है। असल में महाराणा प्रताप सेना ने एक फोटो के आधार पर दरगाह को मंदिर बताया है। फोटो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि दरगाह की एक खिड़की के एक हिस्से पर स्वास्तिक बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये दरगाह है तो इसके दरवाजों में स्वास्तिक का क्या काम? संगठन के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार का ये कहना है, अगर एक सप्ताह के भीतर इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता तो वो केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे। इसके अलावा सेना के कई लोग अजमेर जाकर भी आगे का रास्ता तय करेंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रास्ता भी चुना जाएगा। हालांकि देखिए महाराणा प्रताप सेना के इन दावों को दरगाह कमेटी ने सिरे से नकार दिया है। उनका दावा है कि 8.5 बीघा में फैले दरगाह परिसर में उस तरह का कोई भी हिस्सा नहीं है जिसकी तस्वीर वायरल कर ये दावा किया जा रहा है कि दरगाह में हिंदू प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक वाली जालियां लगी हुई हैं। अंजुमन कमेटी के सचिव वाहिद अंगारा का ये कहना है, दरगाह को लेकर इस तरह के विवाद ठीक नहीं है। अंजुमन खुले दिल से दरगाह में सभी का स्वागत करती है, लेकिन इस तरह के विवाद उत्पन्न करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि दरगाह केवल मुस्लिम आस्थाओं का केंद्र नहीं है। सूफीवाद में विश्वास करने वाले हर धर्म और जाति के करोड़ों लोग हर साल दरगाह आते हैं। फिलहाल तो देखिए अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर महाराणा प्रताप सेना ने जो दावा किया है उसे देखते हुए प्रशासन ने दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिक पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर देखिए अंग्रेजी लेखक ने एक बात कही थी कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है और आज देखिए उसी कब्र की नींव में शिवलिंग के होने के इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल अजमेर शरीफ को लेकर महाराणा प्रताप सेना ने जो ये दावा किया है उसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है और आप इन चीजों से कितने सहमत हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला कर कर के बुलाते, बोले मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहाँ, उसकी खेती बढ़ेगी, उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब पल्सी जी खेती होती है तब उसकी फसल की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है तो किसान अंदर जाकर के दवाई ववाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहाँ जाऊँगा, वो छिड़काव करता आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है, और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं
जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती है, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छंटकाव बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सिस की खेती की तरफ जाएगा। अब ये एक व्यक्ति गांव के अंदर किसानों के साथ जुड़ने के साथ काम करता है तो की चीजें कैसे बदलाव आता है उसका अनुभव उसका सुनने को मिलता है। साथियों, आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सोयल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और मैं तो चाहूंगा जैसे ये ड्रोन की सेवाएं हैं, गांव गांव सॉइल टेस्टिंग की लैब बन सकती है, नए रोजगार के क्षेत्र खुल सकते हैं और किसान अपना हर बार सॉइल टेस्टिंग करा करके तय कर सकता है कि मेरी इस मिट्टी में ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी बातें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। अब देखिए फसल बीमा योजना, अब फसल बीमा योजना के अंदर सबसे बड़ा काम हमारी जीपीएस जैसी तकनीक का उपयोग हो, इनाम जैसी डिजिटल मंडी की व्यवस्था हो, नीम कोटेड यूरिया हो या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा करने की बात हो। बीते 8 साल में जो ये प्रयास हुए हैं उसने किसानों का टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो।